था मेरे प्यारे बच्चों आज आप लोगों के सामने सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर लेकर आ रहा हूं सरफेस केमिस्ट्री में ये जो टर्म है सरफेस सरफेस कोई भी सब्सटेंस है सॉलिड है लिक्विड है गैस है बट जनरली सॉलिड और लिक्विड की बात करते हैं और गैस की भी बात करते हैं तो हमारा सब्सटेंस तीनों कनेक्टेड है कैसे हम यहां पर ध्यान दीजिए सरफेस सॉलिड है तो उसमें इनर सरफेस और आउटर सरफेस दोनों सरफेस होता है इनर सरफेस और आउटर सरफेस ये दोनों सरफेस होता है यहां एक एग्जांपल देके मैं समझा रहा हूं जैसे आप आज मैंने सरफेस केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्लास में ले रहा हूं ये समझिए जो टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का है इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन क्लास है सरफेस केमिस्ट्री तो मैंने आपको ये बताया कि सरफेस हमारे सब्सटेंस में इनर सब्सटेंस इनर पार्ट को इनर सरफेस कहते हैं आउटर पार्ट को आउटर सरफेस कहते हैं तो हम एक एग्जांपल के फॉर्म में लेते हैं चाक जैसे हमने ले लिया चाक ये चाक है चाक तो ये हमने चाक ले लिया चाक ये क्या ले लिया चाक अब यहां पर देखिए ध्यान से इस चाक में जो इस चाक को इंक में डिप करते हैं किस में डिप करेंगे इंक इंक में डिप करके चाक को बाहर निकाल लिया डिप किया बाहर निकाल लिया डिप किया बाहर निकाल लिया माने एक बार हम डिप करेंगे बाहर निकालेंगे तो क्या देखते हैं उसमें ये ध्यान दीजिए इंक यहां पे चिपक गई इंक चिपक गई आउटर सरफेस पे इंक चिपकी है इनर में नहीं आउटर सरफेस पे इंक चिपकी है तो उसे हम कहते हैं एडजॉर्प्शन उसे हम कहते हैं एडजॉर्प्शन मैंने आपको समझाया कि चॉक को इंक में डिप किया चॉक को बाहर निकाला तो चॉक के आउटर सरफेस पे ये इंक चिपक गई तो इस एरिया को हम कहते हैं एडजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन अब यहां पर ध्यान दीजिए अब इसके जो जिस एरिया पे इंक चिपकी है उसे हम कहेंगे उस फेनोमेना को तो एडजॉर्प्शन कहते ही है इस फेनोमेना को एडजॉर्प्शन कहते हैं ठीक है एडजॉर्प्शन कहते हैं लेकिन जिस जितने एरिया में चिपकी चिपक गई सट गई उस एरिया को हम एडजॉर्बेड कहते हैं उस एरिया को एडजॉर्बेड कहते हैं ये फेनोमेना है फेनोमेना को एडजॉर्प्शन कहते हैं लेकिन जिस एरिया में चिपकी उस एरिया को एडजॉर्बेड कहते हैं और उसके अंदर वाला एरिया जहां इंक नहीं पहुंची है उस एरिया को हम एडजॉर्बेंट कहते हैं एडजॉर्बेंट कहते हैं तो आपने यहां पर देखा कि एडजॉर्बेंट क्या है एडजॉर्बेंट एडजॉर्बेंट तो वैसा पार्ट जिसके अंदर इंक नहीं पहुंची है इनर पार्ट को और इनर पार्ट भी उतना ही जहां तक इंक आउटर पार्ट में पहुंची है उस इनर पार्ट को एडजॉर्बेंट कहते हैं उस आउटर पार्ट को एडजॉर्बेंट कहते हैं जहां तक इंक चिपकी हुई है और उस फेनोमेना को एडजॉर्प्शन कहते हैं जो आउटर पार्ट पे इंक लगी हुई है यानी ये इस फेनोमेना को एडजॉर्प्शन कहते हैं है और इस इंक को रिमूव करने की प्रोसेस को डिजॉर्प्शन कहते हैं इस इंक को रिमूव करने की प्रोसेस को डिजॉर्प्शन कहते हैं इंक को रिमूव करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं
डिजॉर्प्शन। तो आपने यहां टर्म देखा डिजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट, डिजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन। इसमें क्या देखा, ये इनर पार्ट एडजॉर्बेंट, जिस आउटर पार्ट पे इंक है, इंक जिस एरिया पे है उसे एडजॉर्बेट, और इस फेनोमेना को एडजॉर्प्शन कहते हैं, और रिमूव करने की प्रोसेस को, इंक को रिमूव करने की प्रोसेस को हम कहते हैं डिजॉर्प्शन, उसे हम डिजॉर्प्शन कहते हैं। तो ये थोड़ा सा हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया ये सरफेस केमिस्ट्री में। आप एक छोटा सा एग्जांपल और ले लीजिए, आपने कॉटन, ये कॉटन ले लीजिए, कॉटन, कॉटन को इंक में डिप करते हैं तो क्या होता है, तो चॉक को इंक में डिप किया तो सरफेस फेनोमेना केवल सरफेस पर लगा, लेकिन कॉटन को इंक में डिप किया तो इसे कहते हैं बल्क फेनोमेना, पूरा का पूरा अंदर और बाहर आ जाएगी, तो इसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ये क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो कॉटन को इंक में डिप किया पूरा आ गया, दैट इज बल्क फेनोमेना, इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। आपने यहां दोनों चीज देखा कि एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन क्या है। तो आज इंट्रोडक्शन में हम इसी टॉपिक के साथ अपना ये क्लास समाप्त करता हूं। फिर अगले वीडियो में, अगले क्लास में अगला टॉपिक, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके पास हम पहुंचेंगे। तब तक के लिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आके सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि हमारी सारी लेटेस्ट न्यूज आपको मिलती रहे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन पर ज़रूर